गलेक्सी के बारे में आपने हमने सुना है अक्सर कि कितनी बड़ी गलेक्सी है जो नासा दरियाफ कर रहा है डे बाई डे मिल्की वे है मिल्की वे के बाहर क्या है कुछ नहीं पता आपको नहीं लगता कि हमारे आलम दीनए कराम मेम्बर से भी ये बातें जानी चाहिए बयान होनी चाहिए कि ये ताकि इससे अल्लाह का पता चल रहा है कि यूनिवर्स क्या है कुदरत क्या है देखिए तो सूर रहमान को पढ़ें तो बार बार सूरह रहमान हमें बता रही है कि फ़बी आला रब को मातो कर अल्लाह पाक की नेमतें अल्लाह पाक की जो कुदरत की वसअत है इन अल्लाह अलाकुल्लिशन कदीर अल्लाह करीम तो हर चाहे पर कादिर है अब तो ये दिन ब दिन हमें अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं अला करीम अपनी कुदरत के कभी कभी नज़ारे दिखाता है ट्वेंटी ट्वेंटी से जो कोविड आया हुआ है ये ये छोटा सा वायरस जो हम आँखों से नहीं देख पा रहे

और रब अज्जा अजल अभी जिस मिल्की वे की और आप यूनिवर्स की बात कर जी, रहे हैं पिछले दिनों मैंने एक तहकीक पढ़ी कि जो सन है जो सेंटर ऑफ सन है उसमें जो टेम्परेचर है वो वो मिलियन मिलियन सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड है 15 का मतलब नादिर भाई डेढ़ करोड़ सेंटीग्रेड और ये कितना हुआ इसको अंदाजा करें कि मेरी और आपकी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री होता है 50 डिग्री गर्मी पड़ जाए तो हम बाहर नहीं निकल सकते डेढ़ करोड़ सेंटीग्रेड अच्छा अब जरा मैं कह रहा हूं सेकंड के हिस्से में जल खत्म होगा अब लेकिन अब इसकी खूबसूरती देखें अभी सर्दियों में हम जब बैठते हैं तो किसी जगह आग जलाई और हम उसके करीब बैठते हैं लेकिन एक तनासुब के साथ बैठते हैं यार इतना दूर बैठेंगे तो मजा आएगा गर्मी भी मिलेगी थोड़ा करीब जाएंगे तो घबराहट होगी जलन होगी और दूर चले जाएंगे तो गर्मी नहीं मिलेगी एक एक लिमिट है ना ठीक है अल्लाह करीम ने उस सूरज को इस जमीन से किस खूबसूरत तनासब से दूर रखा है वाह 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 करोड़ सेंटीग्रेड गर्म चीज है वो जमीन से इतनी दूर रखी मेरे मालिक ने कि 40 डिग्री से ऊपर ना हो 50 डिग्री से ऊपर ना हो यही सूरज थोड़ा करीब आ जाए तो अगर सिर्फ 100 डिग्री टेम्परेचर जमीन का हो जाए हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाए। यही सूरज थोड़ा ऊपर चला जाए तो ज़मीन माइनस में चली जाएगी सारी दुनिया बर्फ़ में डूब जाएगी रब करीम के ये कुदरत के नज़ारे हैं जो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत देखो और उस रब से अपनी मोहब्बत में इजाफ़ा करो तो कुरान बताता है हमें ये सारी साइंटिफिक चीज़ें और अगर हम वाकई साइंस को जिस तरह आप कह रहे हैं स्टडी करें तो बिल्कुल इसको बताता है तो अलहमदिल्ला हम इसको बयान कर रहे होते हैं जिस तरह आपने कहा कि क्यों बयान नहीं होती तो यकीन कराम कुरान की तफसीर के ज़रिए भी इसे बयान करते हैं